नमस्कार, मैं राजेश सर, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के विभिन्न स्थानों में ठंड के समय बारिश होने के दौरान ओलावृष्टि हुई है, जहां किसानों की कुछ फसलों को भारी नुकसान हुआ है। ठंड का मौसम होने के कारण जिला वासियां ठुठुरते हुए नजर आ रहे हैं, जहां बारिश ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। स्थानीय लोगों को घरों से निकलने में परेशानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। वहीं अचानक हुई ओलावृष्टि से समस्या और भी बढ़ गई है। किसानों ने बताया कि हमारी अन्य फसल सहित सब्जी की फसल भी पूरी तरह से नष्ट हो गई है। ओलावृष्टि से जहां मरीजों की संख्या बढ़ गई है, एवं मवेशियों में भी उसका असर देखने को मिल रहा है। फसल, सब्जी की फसल अभी तत्काल में सर आप देख भी लीजिए कि कितना ऊंचाई पर अभी ओला यहाँ पर बिछा है। ऐसा लगता था कि हम लोगों की जान बहुत खतरे में है। आज लगभग समय 4:15 बजे इतनी ओलावृष्टि हुई है कि हमको तो ये लगता रहा कि हमारी जान आज बच पाएगी कि नहीं बच पाएगी। कम से कम 50 से 100 ग्राम के बीच तक के बर्फ के टुकड़े गिरे हैं। पूरी फसल चौपट हो गई है और आप देख भी लें कि जिस प्रकार की हालत हुई है हम लोगों की। कुदरती देन है ये ओलावृष्टि होना। ये जब मेघ तो वहाँ से चलते हैं तो मेघ के सामने जो भी आता है बर्फीली जगह से टकराते हुए तो वही बर्फ़ उठ के चला आता है, तो जब ये बदल टकराते हैं तो वही बर्फ़ सड़क के टुकड़ों में बढ़ जाता है। फिर तो टुकड़ों में बटने के बाद में अब जिन जैसा उसको जहाँ जैसा मिलता है वहीं से अपने ग्राहक झिड़क के चला जाता है। अब ये तो ओलावृष्टि सब कुदरती देन। अब ये जो नीचे गिरने के बाद में इसमें तो जो भी चपेट में आएगा, चाहे पेड़ पौधा आदमी जानवर या असल जो भी उसकी चपेट में आएगा उसका नुकसान तो होगा ही। अब उसकी तादाद के ऊपर रहता है, एक छोटा भी होता है, एक बड़ा भी होता है। 50 ग्राम का ओला थोड़ा कम नुकसान देता है, 100 ग्राम का ओला थोड़ा और ज़्यादा नुकसान देता है। जिले के मानपुर विकास खंड में बड़े क्षेत्र में ओलावृष्टि हुई है और मानपुर में इस साल फसल बहुत अच्छी आई थी। गेहूं की भी फसल अच्छी थी, दलहन की फसल अच्छी थी, मटर की फसल अच्छी थी, लेकिन सब्जियों के जो उत्पादक कृषक हैं उन्होंने सब्जियां लगाई हुई थी वो सब बहुत अच्छी खेती हो थी इस साल, क्योंकि बारिश ठीक ठाक हुई थी। लेकिन वो सब किसानों के सपनों पर पानी फिर गया। बड़ी तेज़ी से ओलावृष्टि हुई है, फसलें बर्बाद हुई हैं। अब मध्य प्रदेश की जो सरकार है वो कहती है हम किसान हित ऐसी सरकार हों, तो देखना ये है कि जल्दी से जल्दी सर्वे हो, नुकसानी का आकलन हो और किसानों को क्षतिपूर्ति के प्रकरण तैयार किए जाएं और शीघ्र उनको उपलब्ध कराए जाएं। और भी कुछ गांव में जो है यहाँ पे ओलावृष्टि की सूचना हमारे तहसीलदार SDM लोगों ने दी है और इस संबंध में उनको निर्देशित किया गया है कि वो शीघ्र जो है उनका मौका मुआयना करके जो भी RB64 के नियम है उसके तहत जो है रिपोर्ट प्रस्तुत करें और जैसे भी वो वहाँ से रिपोर्ट आती है उसके मुताबिक अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। वैसे उमरिया से शंकर सिंह चंदेल की खास रिपोर्ट।